हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। देखिए, मुल्ज़िम गिरफ्तार हो चुका है, उसका डीएनए टेस्ट मैच कर चुका है, उसने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, लेकिन ये जो उसके 37 बैंक अकाउंट्स के बारे में बात फैलाई गई है और ये फिर उसका कुछ सियासी शख्सियात के साथ ताल्लुक भी जोड़ा जा रहा है, जिस आदमी के पास पासपोर्ट ही नहीं है, उसके पास शनाख्ती कार्ड ही नहीं है, उसका बैंक अकाउंट कहाँ से आएगा? और ये जो सोशल मीडिया पे इसके बैंक अकाउंट्स के बारे में कुछ दावे किए गए हैं और एक टीवी एंकर ने अपने प्रोग्राम में भी इसका दावा किया है, तो इसको हमने आज चेक किया है मुख्तलिफ बैंकों से, तो ये जो एक गैर मुल्की बैंक हैं, कुछ पाकिस्तानी बैंक हैं, किसी बैंक में ऐसा कोई अकाउंट इस बंदे के नाम से नहीं है। और एक तहकीकती अदारा जो है उसने जब इस बारे में थोड़ी सी तहकीक की तो पता चला कि तमाम जो इसके नाम के आगे जो बैंक अकाउंट लिखे हुए हैं वो सरकलर्स हैं, इसका जो शनाख्ती कार्ड नंबर दिया गया है इवन जो इसके बैंक अकाउंट के हवाले से चल रही है वो तस्वीर भी 23 जनवरी की तस्वीर है, जबकि ये पुलिस की कस्टडी में था। पुलिस की कस्टडी में इसकी तस्वीर को कंप्यूटर के जरिए ट्रीटमेंट करके ये सारा काम किया जो है वो जानबूझ के इस ऐसी हरकतों के जरिए और